पिछले कई दिनों से ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर चर्चा में है, जहां इन्होंने अपने कारनामों से यूपीएससी जैसी परीक्षा पर भी दाग लगा दिया। और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के फर्जी सर्टिफिकेट सहित अन्य विवाद को लेकर यूपीएससी की सर्टिफिकेट सिस्टम पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपीएससी की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने इसकी प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट सिस्टम में गड़बड़ी को अभ्यर्थियों के हित पर चोट करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक्स पर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और यूपीएससी से जुड़े कई सवाल प्रियंका गांधी ने पूछे। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपीएससी देश की सबसे नामी गिरामी एग्जाम है और इस परीक्षा को पास करने वाले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। देश के करोड़ों लोग का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इस संस्था के पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत करते हैं, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी परीक्षा की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुए एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उन पर कार्रवाई कम। जिस सिस्टम में एक एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कंपटीशन होता है, उसमें क्या केवल सही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एससी एसटी ओबीसी विकलांग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व प्रमाणिक बनाने के लिए बदलाव की सख्त जरूरत है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है। दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में है। इस दौरान पूजा खेडकर पर कई तरह के आरोप लगे, जिसमें लिमिट से ज्यादा बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पूजा खेडकर पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिखाने, आयु सीमा में हेर फेर और पहचान बदलने के आरोप लगे हैं, जिस पर यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज करने के साथ ही एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि आपकी उम्मीदवारी रद्द क्यों न की जाए और आगामी यूपीएससी परीक्षाओं में बैठने से क्यों न रोका जाए। और अब इसी केस का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है, साथ ही कुछ सवाल भी दागे हैं। लिहाजा अब देखना होगा प्रियंका गांधी के इन सवालों का सरकार कब तक जवाब देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।